जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल का रिजल्ट आ चुका है, अब होना है चिकित्सा परीक्षा यानी मेडिकल। ठीक है दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट पास हुए हैं अब उनको उनका होगा मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल कैसे होगा, जो भी मुझे जानकारी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, ये 655 पदों पर वैकेंसी थी। ठीक है, और आपकी लिखित परीक्षा हो चुकी है। ठीक है, लिखित परीक्षा होने के बाद में आपका फिजिकल हो चुका है। ठीक है, नापतोल हो चुकी है। ये होने के बाद में अब टोटल जो कैंडिडेट बचे हैं मेडिकल के लिए वो है 3398। ठीक है, 2 कम 3400 बच्चे जो है बचे हैं। ठीक है, तो अब वैकेंसी हैं 655। ठीक है, तो अब मेडिकल में काफ़ी बच्चे वैसे इसमें बाहर होंगे, क्योंकि मेडिकल इसीलिए इसमें कराया जा रहा है, और पहले ही ये क्लियर था कि इसमें मेडिकल जो है होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी पेपर कट मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो कटिंग थी वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी मैंने डाला था। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक कटिंग है मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों अब होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद में आपका जो है होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसी समय आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों मेडिकल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, चिकित्सा परीक्षा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, जो निम्नबद्ध होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है मतलब कै और खे में कर रखा है, तो कै के बारे में बात करते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे अधिसूचित केंद्रों पर मतलब जहाँ भी मतलब सूचित होगा, जहाँ भी ये मतलब मेडिकल होंगे, ठीक है, वहाँ, ठीक है, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा परीक्षा कराएंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एक दिन में 50 से अधिक इस प्रकार अवधारित की जाएगी कि उसमें चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आए, इस हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। ठीक है, परीक्षा आयोजित किए जाने से पूर्व परीक्षा की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सूचना पट पर जहाँ कहीं पर भी परीक्षक आयोजित किया जाएगा अत्यंत प्रमुखता से प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा चिकित्सा मैनुअल के अनुसार मतलब एक मैनुअल होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ चेक होंगी, जैसे हमारे पुलिस का मेडिकल होता है उसमें मतलब जैसे आँखें चेक होती हैं, आँखों में आपका कलर विजन है, ठीक है, आई साइड है, ठीक है, उसके साथ साथ जैसे नोकनी है, फ्लैट फूट है, ये सब कुछ उसमें होता है, बट इसके हिसाब से भी एक मैनुअल होगा जो इन्होंने दिया है। देखिए, चिकित्सा परिषद मुख्यतः मानव शरीर की कमियों, ठीक है, जैसे यथा नोकनी, ठीक है, जो घुटने की मिलने वाली समस्या है, ठीक है, वो लेग, शायद ये भी घुटनों वाली समस्या है, ठीक है, फ्लैट फीट यानी पंजे से रिलेटेड, वेरिको वेंस यानी नसों के गुच्छे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, दूर एवं निकट दृष्टि, ठीक है, यानी आई साइड, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस यानी जो कलर पहचानने की समस्या होती है, ठीक है, रेनिस टेस्ट ये होते हैं, रेनिस टेस्ट होते हैं कानों से रिलेटेड, ठीक है, सुनने की जो क्षमता होती है, ठीक है, सहित श्रवण परीक्षण, ठीक है, बेवर्स टेस्ट और वर्टिगो टेस्ट, ये सब कान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इत्यादि जाँच करेगा। ठीक है, परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षा करा सकता है। अगर लगता है कि कुछ और भी जैसे हार्ट टूटा है या फिर पसली में कोई दिक्कत है या और भी प्रॉब्लम है बोलने में किसी भी चीज़ में, अगर लगता है कि डॉक्टर को इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ को भी चेकअप किया जाएगा तो वो कराएंगे। ठीक है, हालांकि इतना कुछ इन्होंने दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि ये चेक होगा। ठीक है, खैर में क्या है कि चिकित्सा परीक्षा मात्र अहर्यकारी प्रकृति की होगी, इसका सेरटा सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब आपको बस आपको फिट उसमें होना है मेडिकल में, आपकी कट ऑफ से किसी चीज़ से इसका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, बस आपको वो परीक्षा पास करनी है, ठीक है, चिकित्सा परीक्षा, ठीक है, ये सब कुछ है। और दोस्तों एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो आपका मेडिकल होगा अभी इसकी कोई डेट क्लियर नहीं है, बट मतलब इस महीने उम्मीद है कि इसकी डेट आ सकती है अगस्त में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी 2016 वाली, ठीक है, तो उसमें क्या है कि मेरे जान पहचान में 2-3 लड़के लगे हुए थे, मैंने उनसे पूरा कंप्लीट पूछा था, तो उन्होंने पिछली बार ये बताया था कि जब हम
हमारा तो मेडिकल हुआ नहीं था, बट हम जब गए थे ज्वाइनिंग में तो हमने वहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट अपना दिया था, मतलब एक डॉक्टर मतलब अपने सरकारी अस्पताल में अपने यहाँ या वहाँ पे, ये क्लियर नहीं है मुझे, या तो उन्होंने जहाँ पे पोस्टिंग है वहीं पे अपना एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के दिया था। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि उस समय कोविड का समय चल रहा था, कोरोना वाला, ठीक है, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो उस समय हो सकता है कि ये चीज़ हो, ठीक है, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपकी परीक्षा मतलब मेडिकल आपका हो रहा है, ठीक है। दोस्तों पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और अपना आप जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे कहीं जा कर के अपना चेकअप करा सकते हैं, अपने आँखों का कलर विजन, आई साइड, ठीक है, फ्लैट फूट और अपने ये सब कुछ आप घर पे भी प्रैक्टिस, जैसे फ्लैट फूट है, नोकनी है, ये घर पे चेक कर सकते हो। बाकी आँखों से रिलेटेड या कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि हमारा मेडिकल है उसमें हम पास हो पाएंगे नहीं, ठीक है। तो मेडिकल आपका ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेडिकल परीक्षा है, आपकी जो भी चीज़ चेक होंगी वो मतलब सही से ही चेक होंगी, एक तरीके से अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आपके अंदर है तो उसकी उस चीज़ को सही करने की कोशिश कर लीजिए। अगर आपकी नोकनी यानी घुटने मिल रहे हैं तो उसको थोड़े एक्सरसाइज करके आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट फूट है तो उसको भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इतना कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।